नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपकी ऐश ट्रे ऐसे बंद नहीं होती तो इसको आप कैसे ठीक करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऐश ट्रे को खोलने के लिए आपको एक दरवाजे का डोर पैनल निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई, यहाँ पर क्लिक करो कि आप अपने डोर पैनल को इजीली कैसे निकालो ताकि कोई क्लिप्स वगैरह या कुछ ख़राब ना हो। ये ऐश ट्रे निकालने के लिए हमको बस ये दो नट निकालने हैं और ये है TX15। सो फॉर रेफरेंस मैंने अपने दूसरी साइड की ऐश ट्रे जो कि काम करती है वो निकाली थी, जैसे कि ये काम कर रही है, बट आई नोटिस्ड कि जो दूसरी ऐश ट्रे है उसके अंदर ये वाला पीस नहीं है। यहाँ पर एक प्लास्टिक का पार्ट होना चाहिए जो इसको जब हम बंद करते हैं ऐसे तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए उसको, क्योंकि इस वाली ऐश ट्रे में एक ये मिडल पार्ट नहीं है। अगर वो निकला होता है, टूटा होता, तो उसको कैसे भी ठीक कर सकते थे हम। मेरे को लगता है पहले किसी ने, मेरे हिसाब से प्रीवियस ओनर ने इसको ठीक करने की कोशिश करी होगी और इसको कम्प्लीटली निकाल दिया। काफ़ी स्प्रिंग और सुई वगैरह मोड़ तोड़ के ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैं ऐश ट्रे कभी यूज़ नहीं करता, आई डोंट स्मोक और मैं किसी को करने भी नहीं देता अपनी गाड़ी में, तो इनका वैसे भी कोई काम नहीं है, चाहे खुले चाहे बंद रहें। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खोल भी पाऊँ, बंद भी कर पाऊँ, जस्ट टू बी कि मेरी गाड़ी में सब काम कर रहा है अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक ऐश ट्रे है जो कि इस वाले में मिसिंग है। कुछ महीने पहले मैंने ये ऐश ट्रे ऑनलाइन खरीदी थी ईबे से, और ये OEM BMW का पार्ट है, किसी गाड़ी से किसी सेलर ने बेचा था मेरे को, और ये ऐसे लगेगी। मेरा प्लान है कि मैं इसको बंद भी कर पाऊँ, खोल भी पाऊँ, तो अभी मैंने सॉल्यूशन ये निकाला है कि इस पर दो गियर्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर, तो मैंने सोचा है कि स्प्रिंग को निकाल देता हूँ इस और ये वाला गियर को लगे रहने देता हूँ। ये दो गियर से एक तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब अगर मैं इसको यहाँ करके छोड़ दूंगा तो ये यहीं रहेगा, और अगर खोलना चाहूँ तो ये खुल भी जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। जैसे कि आपको ये वाली है तो हमको इसको बदलना ही पड़ेगा, बट जैसे कि मैंने बताया मैं स्मोक नहीं करता, ना गाड़ी में किसी को करने देता, तो वैसे तो ये पॉइंटलेस है गाड़ी में, पर ऐसे कुछ खुला रहना गाड़ी में मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो चलो इस स्प्रिंग को निकालते हैं, फिर उसके बाद आप समझ पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर ये दूसरा गियर भी निकाल देते हैं हम, तो ये अब एक जगह पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी कम है। और इसको हम लगाते हैं जब ये बिल्कुल एज पर है, तो अब ये इस जगह पर रुक जाएगा, और इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो इसको खोल भी सकता हूँ। तो पहले ये बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन में ही रहता था, चाहे इसको कितना ही बंद करने की कोशिश करो, बट अगर हम अब चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये काम करेगा, क्योंकि मैं इसको कभी खोलूँगा नहीं, सिर्फ खोलूँगा जब इसको साफ़ करना होगा, तो मेरे लिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट अभी वो पार्ट नहीं मिलेगा ये वायरस वगैरह की वजह से। तो ये स्प्रिंग हटाने के बाद अगर इसको हम थोड़ा टाइट से बंद करेंगे तो ये थोड़ा ऐसे रह जाएगा। तो ये हमारे ऐसे ब्लड प्रेशर की जो मशीन आती है, इसके अंदर जो ये होती है इसकी नीडल, इसके प्लास्टिक को हाफ हाफ पार्ट में मैंने इस पे यहाँ पे लगाया, और अब जब हम इसको बंद करते हैं तो इससे आगे अब ये नहीं जाएगा, जबकि पहले ये पूरा नीचे चला जाता, और खोलने के लिए बस मेरे को ऐसे करना है, क्योंकि ये कोने में है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, और कभी खोलना होगा इसको साफ़ करने के लिए तो इसको खोल कर मैं ऐसे साफ़ कर सकता हूँ, और ये अपने आप चाहे इसको कितना भी हिला लो, कितना ही भी हिला लो, ये अपने आप नीचे नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, क्योंकि दो गियर्स हैं इसमें और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कितना ही भी गाड़ी में अगर झटके वगैरह लगेंगे ये अपने आप नीचे नहीं आएगी, और जब हम करना चाहेंगे तो हम इसको खोल और बंद कर सकते हैं। तो अगर ऊपर से अब हम इसको देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लैक और ये भी ब्लैक है। तो
और यार ऐसे ही आप अपने BMW के ऐश ट्रे को, स्पेशली डोर की ऐश ट्रे को ठीक कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।